तो ये तीनों उसके ऊपर बैठे हुए थे आई थिंक पहले, इतना मुझे समझ में आया, और अभी फिर ट्राई कर रहे हैं उसके ऊपर बट अपनी मस्ती में, पर आई थिंक यही चीज़ अच्छी है। देख लिया, आप फिर ट्राई कर रहे हैं ये, मगर वो फिर भगा रहा है इनको। यहाँ से ड्राइविंग कर रहा और ये हो गया सोने के लिए, यहाँ पर हमने कुशन लगा दिया है, ये थोड़े बहुत बैग रखे हुए हैं साइड में कर देंगे उसको सोने से पहले, फिर चलते हैं सीधे अपने रास्ते पे। वेलकम टू बैंगलोर मैसूरू हाईवे। तो नीचे हम लोग जाते हैं फिर अभी, तो हम लोग यहाँ पे मॉन्स्ट्री पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट था देख सकते हो मॉन्स्टर गेट, तो अभी ड्रोन शॉट आएगा थोड़ी देर बाद। बना हुआ इस तरीके से एंट्री करी थी, ये बस बस अभी है यहाँ पर। देखो क्या मस्त लग रहा है,
तो यहाँ पे शुरू होता है मेरा सैडेस पार्ट मेरी ट्रिप का। मैं बहुत खुशी से गया था यहाँ घूमने के लिए, बट प्रॉब्लम्स हुई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये हाथी है, जो कि सबसे बड़ा मतलब एक जानवर है जो कि आपके इकोसिस्टम जो होता है फॉरेस्ट का, उसको कहीं ना कहीं बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको ये पता है कि हाथी जो है बहुत घूमते हैं, और यहाँ के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, जैसे कि जो डाइवर्सिटी होती है पूरे फॉरेस्ट की वो टॉप नॉच रहती है। और अगर हाथी ना हो तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो फॉरेस्ट हैं उनको डाइवर्सिटी नहीं देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर ये धीरे धीरे जो फॉरेस्ट हैं वो भी ख़त्म होते जाएंगे। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो ट्री ख़त्म होंगे, ट्री ख़त्म होंगे तो ऑक्सीजन जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके वो ख़त्म हो जाएगी, फिर रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इंसान क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये दोबारा एलिफेंट कैंप का सीन है बाहर। और ये मैटर नहीं करता कि दुबई एलिफेंट कैंप में ये बाहर हो रहा है या फिर जंगल और रिजॉर्ट के अंदर हो रहा है, दोनों जगह चीज़ें सेम ही हुई थी। मुझे साफ साफ बात बताइए, अगर मैं आपसे लोगों से यही कहूँ कि आपको नहाना है, कितनी बार नहा पाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? अगर पूरा दिन आपका मॉर्निंग से स्टार्ट हो और लगा ही रहे, लगाता है टाइमिंग पूरा आपका, तो फिर क्या नहाते रहोगे? और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके जो सेकंड वाले जो पीछे जो हाथी है उसके ऊपर इतनी मतलब कि आपका जंजीरें बंधी हुई थी कि वो उठ नहीं पा रहा था। तो मेरा क्वेश्चन फिर आपसे है, जो ये सफारी है जहाँ पर सबके सब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये एलिफेंट है, उस पूरे पार्ट पे मैं बनाऊंगा वीडियो बाद में। ओके, हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीडियो ही हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ फिर से कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, दूर से इस बड़े विशालकाय जानवर को देखना कि वो अपनी मस्ती में कैसे मस्त है और कैसे घूम रहा है फ्री से, फ्रीली एकदम बिल्कुल, और उसको फिर वहीं पर अपना छोड़ के, उसके अपने इकोसिस्टम में छोड़ के चले जाना, अपना मनोरंजन करना उसको दूर से देख के, या फिर लगातार आप उसको मतलब कि साफ़ करना चाहते जबकि वो साफ़ नहीं होना चाहता। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक बार समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है। इसको यहीं पे छोड़ देना जंगल के अंदर ही हम सब की भलाई है और इस दुनिया की भी भलाई है। So many times changing is my vehicle. Yeah.